डेली HD न्यूज। आगामी 25 जून को जनपद पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के जनसंपर्क भी चल रहे हैं। जनपद पंचायत इंदौर के वार्ड 14 के युवा प्रत्याशी विश्वजीत सिंह सिसोदिया काना पटेल का जनसंपर्क जारी है। गुरुवार को उन्होंने फोनिक्स टाउनशिप में जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी उनके साथ थे। यहां तक कि उनके समर्थन में महिलाओं ने भी बैठक की। सिसोदिया भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं। भाजपा के लोकप्रिय नेता रहे झलारिया के भगवान सिंह पटेल के भतीजे हैं। इसी के चलते उन्हें स्वर्गीय भगवान सिंह पटेल के सामाजिक कार्यों का लाभ भी मिल रहा है। विश्वजीत सिंह सिसोदिया वर्तमान में इंदौर जनपद पंचायत के सबसे युवा प्रत्याशी हैं, जिसके चलते क्षेत्र का युवा वर्ग भी उनसे जुड़ा हुआ है। काना पटेल अल सुबह से देर रात्रि तक उत्साह के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। युवा उम्मीदवार को अपने बीच में देखकर जहां युवा वर्ग में उत्साह एवं जोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं अपने द्वार पर युवा उम्मीदवार को देखकर वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद भी काना पटेल को मिल रहा है। जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 14 से भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी है विश्वजीत सिंह सिसोदिया काना पटेल, और हमारा चुनाव चिन्ह है झोपड़ी। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सभी में बहुत उत्साह, हमारे सब कार्यकर्ता, सभी मातृशक्ति हमारे साथ में लगी हुई है और सबका अपार समर्थन हमें मिल रहा है। क्या लगता है किस तरह का जन समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत उत्साह भी है सभी कार्यकर्ताओं में और जनता में भी। मतदान को लेकर बड़ी उत्सुकता है और सभी अपनी समस्याओं को एक मतदान के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि के पास में व्यक्त कर सकते हैं। क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके अनुसार इस बार चुनाव में? आप क्या मुख्य मुद्दों को लेकर चुनाव? भाई साहब, यहाँ पे मुख्य मुद्दे ही यहाँ सड़क, बिजली और पानी के, क्योंकि यहाँ टाउनशिप जिन बिल्डरों ने डेवलप की थी उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसके चलते ये रहवासी बहुत परेशान है और इन सब टाउनशिप को गवर्नमेंट के पास सरेंडर करवा के गवर्नमेंट एजेंसियाँ इनमें काम कर सके, उसके लिए हम लोग प्रयास करके और सभी जो यहाँ पे पेंडिंग काम है वो सब पूरे करवाएंगे। मुख्य रूप से जो मेन सड़क है गांव ए बी रोड से केलो धाला तक की और ये सब टाउनशिप्स के कनेक्टिविटी के लिए ये सब में मुख्य मुद्दा है। जैसा कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विधायक जो है तुलसी सिलावट जी है, तो किस तरह से आपको सहयोग सिलावट जी का यहाँ पर मिलता है? देखिए, माननीय तुलसीराम जी सिलावट हमारे क्षेत्र से विधायक है और बहुत ऊर्जावान एवं बहुत सक्रिय मंत्री है। वो सतत क्षेत्र में प्रवास करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका तुरंत निदान भी करते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में करते हैं।